रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। तस्करा हो रहा था आशीष शरीफ साहब की शहादत से और जरा माहौल में यहाँ पे यकीन तौर पे एक अफसरदगी जरूर पाई जाती है, लेकिन ऐसे वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। लॉन्ग मार्च के ऐलान के साथ ही ये सवाल उठ गए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसमें अब तक कहीं ना कहीं सोच पाई जाती थी कि लॉन्ग मार्च को किसी तौर पर आगे ले जाया जाए और इसमें कोशिश की जाए कि किसी भी तौर पर तसादुम की सूरत हाल ना बने, लेकिन अब खान साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर इस लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। इस लॉन्ग मार्च में क्या होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तैयारियां हैं इस लिहाज से कैसी नजर आती हैं, इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन करें जनाब हमजा फैज साहब, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इनका ताल्लुक है गुजरांवाले से। जरा इनसे जानते हैं कि जो पंजाब की सूरत हाल इस वक्त क्या है और ये जिस तरीके से लॉन्ग मार्च का अनाउंसमेंट हुआ, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लायमल क्या होगा। हमजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक हैं। हमजा साहब ये बताइएगा कि मुल्क में इस वक्त एक अफसरदगी की सूरत हाल है, आशीष शरीफ साहब का की शहादत हुई और इसी हफ्ते खान साहब ने पहले अनाउंस किया था कि एक लॉन्ग मार्च की तारीख को अनाउंस करेंगे, अब लॉन्ग मार्च की तारीख का अनाउंसमेंट हो गया, गालिबन जुम्मे से ये लॉन्ग मार्च का आगाज होगा, तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारियां कैसी हैं और किन मराइल पे लॉन्ग मार्च नजर आ रहा है? सर इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारियां इस वक्त जोरों शोर से हैं, अरूज पे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस दफा एक अवाम के जम्मे गफीर के साथ निकलेगी। ये अवाम का जम्मे गफीर ऐसा होगा कि इसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो लॉन्ग मार्च कर रही है, ये किसी सियासी पार्टी के लिए नहीं, ये एक नजरिए के लिए लॉन्ग मार्च कर रही है। ये कोई अब्बा बचाओ मार्च नहीं है। अभी पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है? क्या ये लोग पाकिस्तान चलाने की अहल है या ये लोग जिस तरह का मुंडा मजाक पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं? ये जो करप्शन के बेताज बादशाह हैं, ये वो बादशाह की जिन्होंने सारी जिंदगी अदानों की मुखालफत की, अदानों को इस्तेमाल किया, गेट नंबर 4 का रास्ता इख्तियार करके ये इकतदार में आए। क्या ये जो रिसेंट वाकया हुआ है अर्शद शरीफ साहब का, मैं बतौर सहाफी, मेरा शोभा सहाफत से भी कुछ ताल्लुक है, मैं बतौर सहाफी या बतौर पाकिस्तान मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि ये जो अर्शद शरीफ साहब के साथ इन्होंने वाकया किया, ये वाकया की कड़ियाँ किस चीज के साथ मिलती हैं? क्या पाकिस्तान में कोई भी बंदा अपने आजाद लबों के साथ बोल नहीं सकता? क्या चीज है पाकिस्तान? हमजा साहब ये तो आपने बजा फरमाया कि इस वक्त अगर सिनेरियो देखें तो सहाफती बरादरी के लिए एक बड़ा मुश्किल वक्त है और ऐसे वक्त में सच कहना, ऐसे वक्त में निशानदेही करना कि कहाँ पे गलतियां आई हैं, यकीन तौर पर मुश्किल मरहला है। लेकिन यहाँ पे बहसित सियासत सियासी कारकुन, आपको क्या लगता है कि क्यों हमारे माशरे में इतना आदम बर्दाश्त हो रहा है? क्या वजह है कि आज हम एक दूसरे की राय सुनने के लिए, उसको तस्लीम करने के लिए, उसके ऊपर कोई बेहतर हिकमत अमली के तैयार करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े हुए हैं? हम असल बेसिकली पाकिस्तान में इशू ये है कि अल्लाह का कानून है। अल्लाह का कानून ये है कि जिस मुआशरे के अंदर कमजोर आदमी गिरफ्त में और ताकतवर आदमी कानून को अपने पैरों पर नीचे रौंदते हुए अपने घर की बैठक की इजारादारी बना ले, उस मुल्क में अदम इस्तेहकाम उसके शहरियों का हक है। जो इन्हें इकबाल ने कहा था कि जिस खेत से हासिल ना हो गुरबा को रोजी, उस खेत के हर खोज का गंदम को जला दो। क्या आज जिस नजरिए के लिए पाकिस्तान को लिया गया था, क्या पाकिस्तान उसी मंशूर के मुताबिक चल रहा है? क्या पाकिस्तान का ये मंशूर था कि जो लोग पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ होंगे वो लोग पाकिस्तान के आज़ाद लबों के ऊपर इस तरीके के साथ हावी हो जाएंगे? ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है? ये गहमा गहमी हो क्या रही है? यहाँ पे इंसानी ताकत की कोई जिंदगी नहीं है? यहाँ पे एक शख्स को आज़ादी नहीं है कि वो खुल के अपने नजरिए का इजहार कर सके? आखिर वो क्या चीज़ें हैं, वो कौन है, वो कौन सी ताकत है कि जिस ताकत की वजह से आज पाकिस्तान जहाँ भी आ खड़ा होगा? ये जो दो बाकी सियासी पार्टियों में इनका पिछले सियासी पस मंजर का ले लेता हूँ, ये सारी जिंदगी कहते थे वो चोर है, वो चोर है, वो चोर है, दोनों का मौका होता था अदारे चोर है। आज अदारे ये चोर सब एक प्लेटफॉर्म पे है, किसकी वजह से है? वो कौन सी ऐसी चीज है जिसने मुल्क के सारे लुटेरों को, चोरों को, जितने भी लोग जो मुफाद परस्त टोले से ताल्लुक रखते हैं, हम सबको एक जगह पे ला के खड़ा कर दिया है?
तो हमजा साहब अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च करने जा तो रही है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का यकीन है कि वो जिस मकसद को हासिल करने के लिए निकलेंगे उसको हासिल करने में कामयाब भी होंगे? क्योंकि एक बार आपने लॉन्ग मार्च कर दिया और आपको कुछ हासिल ना हुआ तो फिर खान साहब के पास ऐसे कौन से रास्ते मौजूद होंगे, ये भी तो एक सवाल किया जा रहा है ना। दरअसल चीज है कि लॉन्ग मार्च से ये बिल्कुल फगजम है कि ये कामयाब है। उसकी वजह से अब पाकिस्तानी कौम को समझना चाहिए है, एक बच्चे के एक एक शख्स के एक एक दिल वाले की ये चीज जुबान पे आ गई है, जीत हो गई है, ये चोर थे, ये चोर हैं, ये चोर रहेंगे, इस मुल्क निकलेगा कि लॉन्ग मार्च के लिए ये अब्बाबा। लेकिन हमजा साहब कैसे मुकाबला कैसे करेंगे, हुकूमत के पास ताकत है, स्टेट मशीनरी है, हुकूमत के पास इत्तेहादियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, पार्लियामेंट का फोरम मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर आने के बाद क्या ऐसा कर सकती है, क्या ऑप्शंस मौजूद होंगे कि मौजूदा हुक्मरानों को इस बात का एहसास दिलाया जाए कि जो मुतालबात आपके वो दुरुस्त हैं और उनको तस्लीम किया जाए? देखिए जो हमारे मुतालबात है वो मुतालबा तो 100% दुरुस्त है, इसमें दुरुस्त या गलत होने वाली तो बात ही नहीं। अगर ये अब फैसला नहीं करेंगे, ये अदारों को भी सोचना होगा, ये सबको मिल बैठ के सोचना होगा कि अब पाकिस्तान को बचाना है तो इमरान खान को लाना है, पाकिस्तान को बचाना है तो इमरान खान जरूरी है। ये लोग समझ चुके हैं, इन लोगों को भी पता है कि इनकी औकात क्या है, ये डर के बैठ गए हैं, इन्हें पता है ये बिल्ली बीगी की तरह, इन्हें कोई चीज भी हासिल नहीं होगी, इन्हें पता है इसी ये बिल्ली बीगी से आगे कुछ भी नहीं। तो अब क्या होता है दिखाई दे, तैयारियां की जरा बताएगा अफजा साहब कि तैयारियां किन मराइल में हैं और ये जो पूरा इसका रूट होगा वो किस तरीके से डिजाइन किया जाएगा, कब से इसका आगाज होगा, कैसे ही आगे बढ़ेगा काफिला? सर ये जुमे वाले दिन से इसका आगाज होगा, लाहौर लिबर्टी चौक से आगाज किया जाएगा, फिरोजपुर रोड से होते हुए चलेगा, अपने मुख्तलिफ मराहिल से साधों की कामों की मोड़ इन्ना बाद, उसके बाद कुतरा वाला में खान साहब का इंशाल्लाह फकीदुल मसाद इस्तकबाल किया जाएगा। इसी तरह से ये ना इस्लामाबाद गुजरा वाले से अपनी मंजिल की तरफ रवाना रहेगा। अब जैसे इस्लामाबाद की तरफ मैं आता हूँ, लेकिन एक सवाल है, जो सिंध या बलूचिस्तान में जो सियासी वर्कर्स हैं, जो कारकुन हैं, वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि खान साहब ने इस बार जो लॉन्ग मार्च की कॉल दी उसको लाहौर से उसका आगाज का दिया, सिंध में बिलखुसूस कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत फॉलोइंग भी है, इस एतबार से कि उनके पास बहुत सी सीटें भी इस तरफ से देखी जा रही हैं, सिंध की जो क्यादत होगी वो कहां पे होगी, क्या उसका एहतजाज सिंध तक महदूद रहेगा या वो भी इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेगी? नहीं सर, वो देखिए इंशाल्लाह उनका तक नहीं महदूद रहेगा, पार्टी की हदायत के मुताबिक तमाम लीडरान पार्टी के जो वर्कर हैं वो इस्लामाबाद में हमें ज्वाइन करेंगे। बेसिक इशू ये है कि जो इस्लामाबाद का सीट से डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इमरान खान के पोलिटिकली तौर पे नहीं था कि वो किसी भी तरीके से सिंध से जमे को सीट लेके चले जाता, क्योंकि सिंध में इंतजामिया भी पीपल पार्टी की है, अदारे भी पीपल पार्टी की है, वो इन्होंने अपनी हर एक कोशिश को आजमाना था किसी ना किसी तरीके से इंसानों पे तशद्दुद कर सके, कोई ना कोई एक ऐसा काम कर दे जिस काम की वजह से ये लॉन्ग मार्च पोस्टपोन हो जाए। तो हमजा साहब ये जो हमने देखा कि गालियन पिछली दफा खान साहब ने जो मार्च का ऐलान किया था, जो एहतजाज का ऐलान किया था, उसमें पंजाब में उस वक्त आपकी हुकूमत नहीं थी, मुश्किलात थी, गिरफ्तारियां भी हुई, छापे भी मारे गए, अब पंजाब में तो कंफर्टेबल पोजीशन आपकी नजर आती है, लेकिन इस्लामाबाद की जब हदूद में आप दाखिल होंगे तो वहां पे फिर मुश्किलात का सामना भी है, रुकावटें भी खड़ी जाएंगी, वजीर कानून जनाब राणा वजीर दाखिला राणा सनाउल्ला साहब अब बरमला इस बात का इजहार कर चुके हैं कि उन्होंने कड़ी तैयारी की है आप लोग के लिए और बड़ा सख्त बंदोबस्त भी किया हुआ है, किस तरीके से रुकावटों को अबूर किया जाएगा, क्या इसके ऊपर हिकमत अमली होगी? वो जो मंसूर वाला बंदर है उससे मैं जवाब देना चाहता हूँ, उसने जैल फरोज को जिसने लोगों की नस्लें उजाड़ दी हैं, उसने जैल फरोज को उस मंसूर वाले बंदर को मैं जवाब देना चाहता हूँ, अगर आपने अपनी माँ का दूध पिया है तो आओ खान के लॉन्ग मार्च को रोक के दिखाओ, तुम तो घर की यूनियन कौंसिल ना जीत सके, तुम्हारी औकात क्या है, तुम हमारे लॉन्ग मार्च को किस तरह से रोकोगे? तो अफजा साहब ये जो लॉन्ग मार्च होगा क्या ये एक मार्च के बाद इख्तिताम पजीर हो जाएगा या लॉन्ग मार्च के धरने में तब्दील होने की भी चांसेस हैं?
देखें हम तो अपने लीडर के नजरिए के साथ खड़े हैं, हमारा लीडर कहते हैं मुझे है हुक्म ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मुझे हुक्म है इन्ना मा कूनू मा सादिकीन के सच्चों का साथ दो और इनके साथ खड़े हो जाओ। हमारा लीडर हमें किस जगह देखेगा, हम उस जगह के ऊपर अपने लीडर के शाना बिशाना खड़े होंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल साहब, आपने वक्त दिया और यकीन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक डिसाइसिव मोमेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस मार्च को हकीकी आज़ादी मार्च का नाम दिया गया, लेकिन इस हकीकी आज़ादी मार्च के साथ बड़े सारे सवाल जुड़े हैं। पहला सवाल ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल आखिर जब इस मार्च का ऐलान किया तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस तरह का कोई ऑप्शन था कि इस मार्च से बचा जा सकता था, क्योंकि माजी में हम देख रहे थे कि खान साहब ने काफी वक्त लिया इस बार इस मार्च का अनाउंसमेंट करने के लिए, और बिल आखिर जब इस मार्च का अनाउंसमेंट किया तो इस बात की कहीं ना कहीं कई सवालात थे। लोग इस बारे में सोच रहे थे कि खान साहब उस वक्त ही इस मार्च का अनाउंसमेंट करेंगे जब कहीं ना कहीं से कोई ग्रीन सिग्नल मिल सकता है, कोई उम्मीद हो कि इस मार्च के बाद कुछ राहें खुलती हुई नजर आए। लेकिन इस वक्त अगर खान साहब लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और मौजूदा हुकूमत अपने आप को मुस्तहकम भी जाहिर कर रही है और यकीन तौर पर कंफर्टेबल पोजिशन में भी नजर आती है, तो क्या खान साहब के पास दीगर ऑप्शन रह जाते हैं? साथ में ये भी है कि खान साहब का ये जो लॉन्ग मार्च है आने वाले दिनों में किस तरीके से एक फैसला कौन लॉन्ग मार्च साबित हो सकता है, क्योंकि हुकूमत को स्ट्रीट पावर के जोर पे क्या आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी भी हटाया जा सका? ये बिल्कुल कभी ना हुआ, लेकिन अगर इस बार ही हो जाएगा तो ये तारीख रकम की जाएगी। इसके अलावा एक और बड़ा अहम सवाल ये भी सामने आता है कि इस्लामाबाद में हमने देखा था कि जब पिछली बार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एंट्री की कोशिश की थी, एक एहतजाज की कोशिश की थी, तो वहां पे बड़ी सख्त रिटेलिएशन देखने में आई थी, एक सख्त रद्द अमल भी देखने में आया था उस वक्त हुकूमत की जानिब से, और आज भी इसी तरीके के इशारे दिए जा रहे हैं। इस वक्त भी इस्लामाबाद तकरीबन सील किया जा रहा है, जुज़वी तौर पर पहले ही सील था, और जब से इस लॉन्ग मार्च का अनाउंसमेंट हुआ इस्लामाबाद के बेशतर रास्तों के ऊपर कंटेनर्स खड़े किए जा रहे हैं, रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, खारजी और दाखिली रास्तों के ऊपर चेकिंग के मरहले को सख्त कर दिया गया, और कोशिश की जा रही है कि हत्तुल इम्कान कोशिश की जा रही है कि इस्लामाबाद में कोई किसी किस्म का उस तरीके का एहतजाज ना हो सके जिससे हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी हों, ऐसा कोई इकदाम ना हो कि मौजूदा अपोजिशन यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके सपोर्टर्स और उनके हामी इस्लामाबाद में एक बड़ा साइजेबल मजमा लेके इस्लामाबाद को ब्लॉक कर दी जाए। हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है, तो दूसरी जाने हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन के लिए बड़ा सवाल है कि उनके पास ऑप्शंस क्या हैं और मौजूदा ऑप्शंस के चलते हुए वो हुकूमत को कैसे अपने मुतालबात मनवाने के लिए कायल कर सकते हैं, इसके ऊपर इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। आज के लिए फिलहाल नहीं, अपने मेजबान मुनीर को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।